Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me, and today we are going to cover our next exercise, which is exercise number 13. And viewers, ye book hai Allama Iqbal Open University ki compulsory English 2, jiska code hai 1424. Aur hum log aaj kal kar rahe hain unit 2. इस यूनिट 2 में बेसिकली वो हमें सीक्वेंस सिखा रहे हैं, सीक्वेंस सिखा रहे हैं हाउ टू राइट अ थिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, के क्रोनोलॉजिकल वे में चीजों को किस तरह लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल कैसे मीन डेट वाइज. सो आज हम इसी की एक्सरसाइज नंबर 13 करेंगे. वो व्यूअर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि हर लेक्चर जो पहले आए उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए और आप उसकी प्रेपरेशन कर सकें. सो हम एक्सरसाइज नंबर 13 देखते हैं और इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली वो हमसे चाह क्या रहे हैं और हमने करना क्या है इसमें. This is the chronological order exercise. सबसे पहले जी chronological order exercise है, कह रहे हैं fill in the missing information by providing the correct dates. ठीक है, वो कह रहे हैं जी missing information जो है उसको आपने लिखना है, और क्या है basic, क्या है correct date लिखनी है, mean date के according आपने information को arrange करना है. यहाँ पे आपको date का column दिया गया, यहाँ आपने date लिखनी है और यहाँ पे आपने events लिखने. अब क्या है जी, Warren कोहार्ट, कोहार्ट में पैदा हुए. ठीक है जी, अब आपने यहाँ उसका ईयर लिखना है. यहाँ पे बी में तो कह रहे हैं बिकम द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ, फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, वो कब बने, तो यहाँ आपने बी के आगे डेट लिखनी है. फिर रिसीव द फर्स्ट अवार्ड कॉल्ड द आदम जी अवार्ड, तो ये अवार्ड उन्होंने कब हासिल किया. डी में कह रहे हैं रिसीव द हलाले इम्तियाज अवार्ड, कौन सी ईयर में उन्होंने हलाले इम्तियाज अवार्ड हासिल किया. एंड रिटर्न द हलाले पाकिस्तान अवार्ड, कब उन्होंने हलाले पाकिस्तान अवार्ड वापस कर दिया. एंड डाइड इन इस्लामाबाद ड्यू टू किडनी फेलियर, और कौन से साल में किडनी फेलियर की वजह से हुआ है. अब माइट बी पॉसिबल यहाँ थोड़ी सी उन्होंने ऊपर नीचे किया हो कि डेट्स किसके बाद कौन सा आ रहा है, कौन सा अवार्ड पहले मिला, कौन सा बाद में, कब वापस किया, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है. ये कहाँ से देखनी है, इसको हम देखने के लिए हम ऊपर चलते हैं. इसका जो टेक्स्ट है वो इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से देखते हैं जी ये टेक्स्ट किन से रिलेटेड है और हमने इससे किस तरह फिल आउट करना है. सो ये इस पैराग्राफ पे बेस करते हुए एक्सरसाइज है. वो कह रहे हैं रीड दिस टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट क्या है, अबाउट द फेमस पोएट द लेट अहमद फराज, बहुत ही मशहूर हमारे जो हैं शायर हैं पाकिस्तान के अहमद फराज, जो के वफात पा चुके हैं, दैट्स व्हाई लेट का वर्ड यहाँ लगा हुआ है. वो कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़े और फिर इसके हेल्प से हम वो जो एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ी उसे सॉल्व करेंगे. सो लेट स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. सो अहमद फराज, the famous poet of Pakistan, was born on January 14, 1931 in Kohat. So यहाँ वो date आ गई है, सबसे पहले है ना वो Kohat में पैदा हुए, तो आपने ये जो date है ना ये वहां पर आपने साइड पे लिखनी है. क्या है, January 14, 1931. अहमद फराज पाकिस्तान के मशहूर शायर, पैदा हुए 14 जनवरी 1931 को Kohat. His real name was Sayyid Ahmad Shah. उनका real name क्या था, Sayyid Ahmad Shah था. He moved to Peshawar with his family, where he studied in the famous Edwards College, and then did his master in Urdu and Persian from Peshawar University. So वो कहाँ migrate करके moved, वो चले गए Peshawar में अपनी family के साथ, जहाँ उन्होंने मशहूर कॉलेज एडवर्ड्स कॉलेज जो था वहां पर अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल की. और उन्होंने क्या किया, ही डिड हिज मास्टर इन उर्दू एज वेल एज पर्शियन फ्रॉम द पेशावर यूनिवर्सिटी. पेशावर यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है अपनी दो मास्टर की डिग्रीज ली, एक उर्दू में और सेकंड वाली किसमें थी पर्शियन में. सो जी अहमद फराज स्टडी हिज कैरियर एज अ स्क्रिप्ट अहमद फराज स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्क्रिप्ट राइटर एट रेडियो पाकिस्तान. तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने किया स्क्रिप्ट राइटर का.
ठीक है, कहाँ पर किया? रेडियो पाकिस्तान पिशावर में, ठीक है जी, एंड देन मूव टू मूव्ड ऑन टू टीचिंग उर्दू एट पिशावर यूनिवर्सिटी। दोबारा दूसरी जॉब उन्होंने क्या की, टीचिंग की जॉब की, और क्या बने वो, उर्दू के टीचर बन के, कहाँ, पिशावर यूनिवर्सिटी में, राइट जी। अच्छा जी, अब यहाँ हमारा सेकंड क्रोनोलॉजिकल आ रहा है, ये आपने डेट को ध्यान से रखना है, ठीक है जी। क्या है, इन 1976 ही बिकम द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स। सो हमारी जो नीचे सेकंड ऑप्शन थी वो आपकी फाउंडिंग डायरेक्टर की थी, तो आपने यहाँ पर ये वाली जो डेट है 1973 वो जो है आपने वहां मेंशन करनी। सो दो हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कवर हो गई। Then कहते हैं, he went into self-imposed exile during the Ziaul Haq era after he was arrested for reciting certain poems at a mushaira criticizing the military rules। अब कह रहे उनको जो है ना self imposed कर दिया गया था, यानी कि उन्हें जो है ना वो कैद कर दिया गया था ज़ियाउल हक के दौर में, क्योंकि उन्होंने कुछ मुशायरे की महफिलों में ऐसी पॉइंट्स जो है वो उन्होंने पढ़ी थी जो के जिसपे क्रिटिसिज्म था किसके अगेंस्ट, मिलिट्री के रूल्स के अगेंस्ट। सो उन्हें जो है कैद कर दिया गया। ही स्टेड फॉर 6 years इन ब्रिटेन कनाडा एंड यूरोप बिफोर रिटर्निंग टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान वापस आने से पहले 6 साल तक बरतानिया, कनाडा और यूरोप में रहे। ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन अकेडमी ऑफ लेटर्स एंड लेटर चेयरपर्सन ऑफ द इस्लामाबाद नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर सेवरल ईयर्स। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो क्या हुआ, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन अकेडमी ऑफ लेटर्स एंड After that, उसके बाद वो चेयरपर्सन ऑफ इस्लामाबाद बेस्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में उन्होंने काफी सालों तक काम किया, राइट। ये उनकी क्या है जी, उनकी अचीवमेंट्स में आता है। देन दे आर सेइंग दैट अहमद फराज हैड बीन अवार्डेड विद न्यूमरस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। न्यूमरस बहुत ज्यादा उन्हें क्या दिए गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड मिले। He was awarded the Hilal-e Imtiaz in 2004. उन्हें Hilal-e Imtiaz दिया गया 2004 में। अब ये ऑप्शन भी नीचे दी गई भी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये नीचे जाके दी गई है। ये देखिए, अभी हम अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए Hilal-e Ahmar कहाँ दिया गया, ये आ गया, ठीक है जी, ये वाला है। तो इसकी डेट हमने यहाँ पर लिखनी है। इससे पहले उन्हें देखते हैं आदम जी अवार्ड जो है उन्हें कब मिला था, ठीक है जी। अभी हम वापस जाएंगे अपनी पैराग्राफ में, ठीक है जी। पहले उन्हें अपने ज़हन में रखना है कि हमें कौन सा मिला है उन्हें, ये वाला, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि जी इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है पहचान मिली। ही रिटर्न द अवार्ड इन 2006 आफ्टर बिकमिंग डिस्टिंग्विश्ड विद द गवर्नमेंट डिसइंटेंटेड विद द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज, ठीक है। 2006 में जब उनको थोड़ी सी इख्तलाफात हो गए गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज के साथ, तो उन्होंने उस अवार्ड को क्या किया, वापस कर दिया। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ न्यूमरस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड दैट ही हैज रिसीव्ड। वो कह रहे हैं बहुत सारे जो है उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड लिए उसकी लिस्ट उन्होंने नीचे दी है, ठीक है जी। अब जी देखिए क्या है, अब वो यहाँ बता रहे हैं जी नेशनल अवार्ड, ठीक है जी। आदमजी अवार्ड पाकिस्तान हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कब दिया गया, इसकी डेट ये है 1966 में, ठीक है जी। एबासीन अवार्ड दिया गया इनको 1970 में। धनक अवार्ड दिया गया इनको 1971 में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड दिया गया इन्हें 1991 में। नकुश अरब अवार्ड इनको दिया गया 1992 एंड 1993, ठीक है जी। सितारा इम्तियाज इनको दिया गया जी 1993 में। कलामे फैन अवार्ड दिया गया 1994 में। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लिटर अवार्ड दिया गया 2000 में। एंड देन हिलाल इम्तियाज दिया गया 2004 में, ठीक हो गया जी। जी पहले ही इन्हें आदम जी मिला और लास्ट में इन्हें कौन सा मिला है,
हिलाले इम्तियाज, इंटरनेशनल अवार्ड इन्हें जो मिले हैं वो है जी फिराक इंटरनेशनल अवार्ड, ये इंडिया से मिला इन्हें 1982 में। एकेडमिक ऑफ उर्दू लिटरेरी अवार्ड कनाडा, ये मिला इन्हें 1991 में। देन जेएन टाटा अवार्ड इंडिया इन्हें दिया गया है जी 1992 में। 2000 मिलेनियम मेडल ऑफ ऑनर यूएसए इन्हें मिला है जी 1999 में। एंड कैफी आजमी अवार्ड दिया गया यूएसए 2002 में। एंड ईटीवी कलामे फैन अवार्ड ऑफ इंडिया इन्हें दिया गया 2004 में। तो सारी ये डेट्स यहाँ दी गई हैं, क्रोनोलॉजिकल देख लें, हर साल के बाद उन्होंने जो साल आ रहा है उसका दिया, ऐसे नहीं किया पहले 91 का बता दिया है जी, फिर उसके बाद इन्होंने 1982 का बता दिया है, तो फिर इन्होंने 2004 बताया, तो फिर 1999 पे चले गए। नहीं, इन्होंने क्रोनोलॉजिकल वे में, यानी कि जिस तरतीब से डेट्स और ईयर्स आते हैं उस अकॉर्डिंग इन्होंने इस इवेंट को डिफाइन किया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, फराज हेल्थ कंटेन टू डिटोरिएट एंड ही डाइड फ्रॉम किडनी फेलियर इन अ लोकल इस्लामाबाद हॉस्पिटल ऑन 25th August 2008। उनकी हालत जो है मुसलसल बिगड़ती रही और उनकी वफात हो गई उनकी किडनी की फेलियर की या उनकी किडनी की खराबी की वजह से इस्लामाबाद के एक लोकल हॉस्पिटल में। कब हुई? 25 अगस्त 2008 में। सो ये पूरा पैराग्राफ था। और अब यहाँ देखें ये एक्सरसाइज आप कितने इजीली फिल कर सकते हैं। यहाँ आपने डेट्स लिखनी है कब पैदा हुए, फिर कब वो फाउंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान द पाकिस्तान एकेडमी लेटर्स बने वो डेट आ जाएगी, फिर रिसीव द फर्स्ट अवार्ड आदमजी अवार्ड कब लिया, रिसीव द हिलाले इम्तियाज गेन का फर्स्ट वाला अवार्ड है जी, सेकेंड वाला है, रिटर्न द हिलाले पाकिस्तान अवार्ड 2006 में किया था जी, और 2004 में मिला था और 6 में वापस कर दिया था, डाइड कब वो है जी, वफात कब पाई वो आपके यहाँ पे। सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कवर होती है, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन सबको पहले आपको मिले। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।